28-29 अक्टूबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 14 अक्टूबर को लगे सूर्य ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। नासा के मुताबिक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा चरण में होता है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की सतह धुंधली सी दिखने लगती है। कभी कभी कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की सतह एकदम लाल सी भी हो जाती है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है बल्कि आंशिक चंद्र ग्रहण है। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है, लेकिन ये तीनों सटीक रूप से एक ही रेखा में होंगे ऐसा नहीं होता है। ऐसे में इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं और इस बार का चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण ही है। ये ग्रहण 1 घंटे 19 मिनट तक चलेगा। अगला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो 7 सितंबर 2025 को भारत में दिखेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया के नीचे आ जाता है। इससे पहले 8 नवंबर 2022 को भारत ने पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा था। इस चंद्र ग्रहण का उम्ब्रा फेज यानी सबसे गहरी छाया का समय 29 अक्टूबर को रात 1:05 से शुरू होगा और 2:24 पर खत्म होगा। साल 2023 का यह आखिरी चंद्र ग्रहण है जो 28-29 अक्टूबर की रात में लगेगा। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को 11:31 से शुरू होगा जो 29 अक्टूबर की रात 3:36 पर खत्म होगा। आधी रात के आसपास भारत के सभी इलाकों में ये देखा जा सकेगा। भारत के अलावा पूरे एशिया में और तमाम अन्य देशों में भी ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। NDTV ऑनलाइन की रिपोर्ट।